तो फोकस इंसान इसलिए नहीं कर पाता, या तो उसको ये नहीं पता कि उसने जाना कहाँ है, या फिर उसको चारों जहत के अंदर जाना है। तो पहली चीज ये फोकस आपको देती है मकसद, दूसरा फियर ऑफ फेलियर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, अगर आप एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हैं या आप कोई भी जगह क्लाइंब कर रहे हैं, अगर आपको जो है वो डर होगा ना कि मैं गिर ना जाऊं चढ़ते हुए, तो आप हर कदम बड़ा फोकस के साथ जो है ना आप अपनी क्लाइंब बड़ा अच्छा तरीके से करेंगे। द मोमेंट आपका फियर खत्म हो जाए और आपको पता हो आपने जाना क्या है, आपका फोकस खत्म हो जाएगा। यही आपके करियर के अंदर है। तो ये फोकस आता है फियर के साथ कि अगर आपको फियर ऑफ फेलियर है इतना होना चाहिए। दूसरा फोकस आता है पर्पस डिफाइन करने के साथ कि मैंने यहां जाना है, और जो दूसरे रास्ते होते हैं उनको एलिमिनेट करने का कि मैंने यहां नहीं जाना। प्रिंसिपली परसेप्शनली अपने माइंड को कहते हैं मुझे इन रस्तों के अंदर नहीं जाना, मुझे खाली यहीं पे जाना है। फिर वसवसा आएगा, देख लो वो रास्ता अच्छा है, प्लीज आई एम कन्विंस्ड ऑलरेडी मुझे वहां नहीं जाना। ये होता है। अब इसकी एग्जाम्पल और ले लें आप। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डिसाइडेड टू गो टू अ रेस्टोरेंट, आपने खाना खाने जाना है एक जगह पे और आपको भूख भी लग रही है और आप उस तरफ जा रहे हैं, और दोस्त बोले तुम्हें पता है वहां पे आज 50% ऑफ है, फौरन से आप बोलेंगे चक्का है, फोकस हुआ ना लूज। लेकिन अगर आप सारे ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद आपको पता है कहीं पे कोई फ्राइडे सेल नहीं लगी हुई, कहीं पे कुछ नहीं लगा हुआ, और सब खाने पे, और ये सबसे बेस्ट आज स्वॉट में देख के आया हूं, सबसे बेस्ट चल रहा है, 10 रेटिंग्स है इसकी, 100% रेटिंग्स है, यही खाना है, तो 10 आवाजें भी आ जाए आप बोले हेलो मैंने सारी रिसर्च कर ली, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही जाना है। तो लैक ऑफ रिसर्च की वजह से भी फोकस टूटता है कि जब आप अदर ऑल्टरनेटिव्स को जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरे ऑप्शंस को देखना शुरू कर देते हैं, या फिर फियर ऑफ फेलियर अगर आपको नहीं है तब भी आप जो है वो, जैसे अगर रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल में भूख नहीं है तब भी आपका फोकस जो है लूज होगा। आप 2 घंटे पूरे शहर में घूमने में लगा देंगे, आप कहीं रेस्टोरेंट नहीं पहुंच सकते, आपको भूख उतनी ही लगनी। ठीक है जी।